इधर कांकेर वन मंडल में एक बाबू से परेशान होकर वन मंडल के 5 रेंजर मेडिकल छुट्टी पर चले गए। दरअसल डीएफओ कार्यालय में तैनात लेखा प्रभारी और वन मंडल के 5 रेंजरों के बीच आपस में तकरार हो गई थी, जिसके बाद इन सभी जगहों के रेंजर मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले गए। कांकेर वन मंडल में 5 रेंजर कार्यालय है, जिसमें कांकेर, सरोना, नरहरपुर, कोरर, चारामा शामिल है। कांकेर में इस मामले को लेकर प्रदेश रेंजर संघ की बैठक हुई, जिसके बाद रेंजर संघ ने CCF से मुलाकात की और लेखा प्रभारी वीरेंद्र नाग पर परेशान करने का आरोप लगा। रेंजरों ने लेखा प्रभारी को DFO कार्यालय से हटाने की मांग की। रेंजरों ने कहा कि अगर लेखा प्रभारी नहीं हटाए गए तो प्रदेश भर के सभी रेंजर छुट्टी पर चले जाएंगे। रेंजरों का एक आकस्मिक अर्जित अवकाश में चले जाना ही बहुत बड़ा संदेश है। इसको विभाग सर, इसके पहले भी रेंजर एसोसिएशन ने वीरेंद्र नाग के खिलाफ शिकायत किया था, उसपे कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए तो फिर से पुनः हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और आज हमने सर से निवेदन किया है कि शीघ्र इस पर कार्रवाई करें और सर को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो पूरा अगर कांकेर कंजर्वेंसी रेंजर्स स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो स्थिति क्या होगी आप सबको मालूम। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन की आज प्रांतीय बैठक यहाँ पे संपन्न हुई। यहाँ पे प्रांतीय कार्यकारिणी और अन्य वनमंडल वृत्तों से भी यहाँ हमारे साथी आए। यहाँ हमारे संभागीय अध्यक्ष के द्वारा कुछ हमको शिकायत प्राप्त हुई थी कि वनमंडल में हमारे जो शाखा प्रभारी के द्वारा कुछ आपस में वित्तीय मामले हो या उसमें मामले जो भी आपस में कुछ उसका निराकरण के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए थे और हम लोग सभी ने निर्णय लिया है कि जब तक उस बाबू का स्थानांतरण यहाँ से नहीं हो जाता तो हमारे जो 4 रेंज अफसर अभी 5 रेंज अफसर जो अभी EL में हैं, आगे अन्य वनमंडलों से भी सभी रेंज अफसर EL में जाएंगे और हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है और हमारे माननीय CCF सर को इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया है और 3 दिन का समय दिया गया है हम लोगों के द्वारा। अगर 3 दिन में संबंधित बाबू के खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं की जाती है तो छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट रेंजर एसोसिएशन के और भी अन्य वृत्तों में हम इसके लिए अर्जित अवकाश में जाने की कार्रवाई करेंगे।